ग्रैंड आरपी या ग्राइंड आरपी? आप सबको पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो, आप सबको पता है कि ग्रैंड आरपी एक्चुअल ग्राइंड करता है, मतलब हमें उसमें बहुत ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी तब जाके एक सर्टन डिसेंट अमाउंट आता है। तो देखो, आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपका ये जो ग्राइंडिंग है इसको एक अच्छी तरीके से उपयोग करो, ठीक है। अभी बहुत लोग सिटी में आते हैं, सिटी में आके स्टार्टिंग जॉब्स करने लगते हैं, पॉटरी फिशरमैन सब करने लगते हैं, बट इनको एक्चुअली इसका फंडा नहीं पता कि कौन सा जॉब करना चाहिए कौन सा जॉब नहीं करना चाहिए। देखो, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया, अभी नहीं अराउंड एक डेढ़ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है सारे जॉब्स विस्तार में कि कौन सा जॉब का क्या फायदा होता है, कौन सा जॉब का क्या इंपॉर्टेंस है। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप चेकआउट कर सकते हो। वो वीडियो मैं बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगी थी बिकॉज हर एक जॉब मेरे को करना पड़ा। एंड देखो, ये बहुत लोग को लगता है कि भाई जॉब्स जो अच्छे हैं जिसमें पैसिव इनकम आती है वो करने चाहिए, ये बहुत लोग का लगता है, ठीक है। एंड यही ट्रुथ है, लेकिन उसमें भी एक क्लॉ आता है कौन सा जॉब कब करना चाहिए और कौन सा जॉब कब करना चाहिए, ये एक बड़ा क्लॉ आता है उसमें। एंड ऑल्सो देखो, आज के वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज मैं दूसरे यूट्यूबर्स जैसे दोगलापन नहीं करूंगा जिसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये जॉब ये है ये जॉब वो है, वैसा कुछ नहीं करूंगा। आज मैं तुमको सीधे जॉब का रियलिटी, द ट्रुथ ऑफ एवरी जॉब, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। लेकिन अगर अभी तक आपने ग्रैंड आरपी खेलना चालू नहीं किया है तो बस मैं प्रेफर करूंगा डाउनलोड करो, चालू करो। हर वीडियो में बोलता हूँ ये चीज, प्रेफर कर रहा हूँ, खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो, बट ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड ये वीडियो के एंड में दो ऐसे जॉब है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रैंड आरपी में। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम ये जो जॉब है, आज का जो वीडियो है, ठीक है, आज का वीडियो होने वाला है बिगनर्स, ओनली फॉर बिगनर्स, ठीक है। इंटरमीडिएट जो बंदे हैं वो भी ये चेकआउट कर सकते हैं। वेटरन्स को मैं बताऊंगा कि भाई वेटरन्स के लिए अलग वीडियो है, यू कैन चेक दैट वीडियो। वेटरन्स आप ये वीडियो को इतना अच्छी तरीके से मत लो, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए मैंने रखा है क्योंकि बिगनर्स जब सिटी में आते हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं मिलती, ना ही उनको इतना नॉलेज है कि वेटरन्स वाला जो काम है वो करना चाहिए, ठीक है, ये इनको नहीं पता। ओके, तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, सिटी में बहुत सारे जॉब्स हैं, ओके, जैसे मैं सारे जॉब्स के नाम एक बार पढ़ लेता हूँ। पॉटर हो गया, फिशरमैन हो गया, लंबर जैक हो गया, फार्मर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिर स्ट्रीट वेंडर, कैब ड्राइवर, ट्रकर, बस ड्राइवर, फिर कंस्ट्रक्शन टीम, फाइटर, फायर फाइटर, फिर आता है अपना पायलट का जॉब, फिर बैंक कलेक्टर, डिलीवर, फिर ऑयल डिलीवरी मैन, स्ट्रीट क्लीनर और डेप्थ कलेक्टर। तो ये पूरे सिटी के सारे मैं आपको जॉब्स बता रहा हूँ। लेकिन ये जो जॉब्स है ये जॉब्स इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, मतलब ये जॉब्स कुछ कुछ जॉब सिमिलर है, कुछ कुछ जॉब्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, कुछ जॉब एकदम भैयात है, ठीक है। आज हम उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। देखो, कनेक्टेड जॉब्स में सबसे पहले बात करूँ, अगर एक बिगिनर है, ठीक है, तो बिगिनर को ये चीज़ का नॉलेज मैं दे रहा हूँ कि पॉटर जॉब और फिशरमैन जॉब, ठीक है, ये दोनों जॉब एक ऐसा जॉब है कि आपको खड़े रह के एक ही जगह पे करना है, ठीक है। पॉटर जॉब क्या है, आपको वहाँ पर जाना है, बेसिकली खुदाई करनी है, माइनिंग मिलेगा आपको, माइंस मिलते हैं जैसे कॉपर हो गया, फिर रिसोर्सेज मिलते हैं बेसिकली, वो हो गया। फिशरमैन में आपको एक सर्टेन लोकेशन पे जाना है, वो जहाँ पर ऐसा एंकर लगाओ, एंकर या फिर वो फिशिंग की जो स्टार्टिंग वाला पार्ट रहता है वो लगा रहता है, वहाँ पर जाके आपको सिर्फ एक जगह पे खड़े रहकर फिशिंग करना रहता है, बस यही दोनों में कनेक्शन है। एंड बाकी ये लोग के बारे में प्राइसिंग की बात करें तो भाई मेरे को कुछ पसंद नहीं, भाई मैं बता रहा हूँ, आपको भी इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ अगर आपको लेवल 3 करना है तो आप कर सकते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये जॉब मत ही करो, ठीक है। सेकंड वाला आता है जो कनेक्टेड है, वो है लंबर, फार्मर एंड इलेक्ट्रिशियन। ये तीनों, पॉटरी ऐसी जॉब है, ई दबा के रखना है आपको, बट फर्क ये कि इसमें आपको घूमना पड़ता है, ठीक है। लंबर में आपको एक जगह से दूसरी जगह लकड़ी लेके जानी पड़ती है, फार्मर में आपको बेड्स को वाटर करना पड़ता है और बेड का जो आपके पास कैन रहता है वो खाली होता रहता है तो उसको भरना रहता है। इलेक्ट्रिशियन में क्या करना पड़ता है, आपको दो इलेक्ट्रिशियन के दो होते हैं, एक होता है आपको जो जाओगे वहाँ पर ई दबा के आपको वो जो पैनल्स उसको रिपेयर करना है, एंड देन अगर आपका लेवल 2 लेवल 3 हो जाता है तो आपको लेवल 2 हो जाता है तो बेसिकली आपको पीछे जाना है, कार लेनी है, कार से इन सिटी आपको रिपेयर्स करने, बस यही है। इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, फॉर बिगिनर्स मत ही करो, ठीक है। हाँ, सर्टन टाइम में आपको ये करना पड़ता है लेवल अप करने के। देखो, आपको ये सब काम कब तक करना है, जब आप लेवल 4 या 5 के नहीं हो जाते। लेवल अप कैसे होना है उसका ये बहुत इजी तरीका है, सिटी में रहो, AFK बैठे रहो, ठीक है। जैसी जो आर आता है, जैसे इंडियन टाइम में 130 जो 30s रहते हैं, XX30 होता है, तब इन लोग का आर कंप्लीट होता है। तो आप जैसी 30 होने वाला रहेगा वैसे आके बस कीबोर्ड थोड़ा हिला दो, वो भी एक टाइप ऑफ एंटी AFK है। बट देखो, सच्चाई यही है,
ठीक है, सच्चाई से तुम हट नहीं सकते, हर लोग यही करता है। तो उसके बाद बात करते हैं, देखो अभी जितने भी मैं जॉब्स आपको बताने वाला हूँ ये सबके बहुत फेमस नाम है या फिर मैंने इनको नाम दे के रखा है, ठीक है, और ये जॉब आप कर सकते हो। बट ये जॉब, ये अभी जो नीचे के सारे जॉब्स है इसके एक अपने अपने क्राइटेरियाज है, क्या क्या क्राइटेरियाज है वो वाले पिछले वाले वीडियो में चेक करना, उसमें बता के रखा। बात करते AFK वाला जो जॉब है वो है हमारा स्ट्रीट वेंडर का जॉब। एकदम बोलते हैं ना, मतलब मॉडरेट है, हाफ टाइम बढ़ता है, ठीक है, बट ठीक है ये जॉब भी। अगर आप AFK रहते हो, AFK रहना चाहते हो सिटी में, तो आप ये वाला जॉब कर सकते हो। लेकिन इसके भी सिटी में लिमिटेड जगह है जहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। जैसे EMS के सामने भी एक पोजीशन है जहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं टाइम पास जॉब, मतलब बोलते हैं ना सिटी में से आपको फालतूगिरी करनी है, टाइम पास करना है, तो आप कर सकते हो। वो है कैब ड्राइवर का जॉब। ये भी एकदम फालतू जॉब, फालतू नहीं है, मतलब ये भी एक टाइप ऑफ जॉब है जो कंटाला, मतलब आपका अगर बोर्डम रहेगा तो बोर्डम निकल जाता है, मतलब आप सिटी में दूसरों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो बाय दिस जॉब। फिर आता है सबसे हाईली पेड जॉब, वो जो है फायर फाइटर का जॉब। ये सबसे हाईली पेड है, लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है, बट 250 फिर 500 पर फायर। और ये मैं बताऊंगा ग्रुप के साथ करना, अगर आपके पास 3 से 4 बंदे हैं तो उनके साथ करोगे, दिन में अराउंड बहुत पैसा कमाओगे तुम, अंधाधुंध पैसा कमाओगे, इतना बेनिफिटेबल जॉब है ये, ठीक है, हाईएस्ट पेइंग जॉब है फायर फाइटर का जॉब। फिर सेकंड हाईएस्ट पेइंग जॉब आता है, वो आता है पायलट का जॉब। जितना मेरे को नॉलेज है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लेवल 1 से ये चालू हो जाता है पायलट का जॉब आई गेस, ठीक है। उसके लिए बस आपको पायलट लाइसेंस लगेगा, वो भी लाइसेंस सेंटर से आप ले सकते हो या फिर आप डार्कनेट से उठा सकते हो वो भी। तो ये दो ऐसे जॉब है, फायर फाइटर एंड पायलट जॉब, जो बहुत हाई वेज है। एंड मैं प्रेफर करूंगा फॉर द बिगनर्स कि आप ये दोनों जॉब करो, बहुत अच्छे जॉब है ये। फिर बात करते वर्स्ट जॉब और डेड जॉब, ये है बैंक कलेक्टर, डिलीवरी और स्ट्रीट क्लीनर। ये तीनों जॉब बहुत वाहियात है और वर्स्ट जॉब है, ये एक जॉब कोई नहीं करता, करते हैं लोग, बट अगर आपका बैटल पास का टास्क रहेगा या ऑफिस टास्क, तो नहीं ऑफिस टास्क के बारे में आइडिया नहीं है, बट बैटल पास का टास्क आता है कि डिलीवर 30 पार्सल्स वाला, तो वो उसके लिए आपको कभी कभी डिलीवरी वाला करना पड़ता है, वरना उसके अलावा कोई भी नहीं करता है जॉब। ये डेड जॉब है और वर्स्ट जॉब है, बिकॉज एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपको सिटी के बाहर तक जाना पड़ता है, जैसे पलिटो बे हो गया, फिर ऊपर ऊपर की तरफ हो गया, नॉर्दर्न साइड उधर जाना पड़ता है। फिर बात करते हैं एक ऐसा जॉब जो बिगनर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कौन से फैमिली ज्वाइन करते हो स्टार्टिंग में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, वो है ऑयल डिलीवरी मैन का जॉब। इससे आपका फैमिली के बोनसेस बढ़ते हैं, फैमिली के अराउंड मनी बढ़ता है। ये सिटी में जो भी आग वाला एरिया होता है वहाँ पर जो आपका खुद का ऑयल रिग रहेगा, वहाँ से आपको ऑयल निकाल के उसको डिलीवर करना रहता है, जो आपके फैमिली में हेल्प करता है। अगर कोई नॉर्मल बंदा उसको करता है तो आपका जो ओर है, जो ऑयल बना है, वो कम होता है। तो मैं ये वाला रेकमेंड करूँगा फॉर बिगिनर्स, अगर आपको एक हाईली अमाउंट ऑफ वेजेस कमाने हैं तो, ठीक है, लाइक अराउंड 50-60,000 अगर आपको कमाना है तो आप ये कर सकते हो, और अगर आपको टाइम पास करना है तो करना, वरना सबसे बेस्ट जॉब ये दो ही है, फाइटर एंड फायर फाइटर और जॉब वाला फायर फाइटर और पायलट वाला जॉब, ये दो ही अच्छा जॉब है जो आप करना। फिर आता है हमारा जो नॉर्मल जॉब है, वो है हमारा डेप्ट कलेक्टर, फन जॉब है, ठीक है। इसके लिए आपको 5-6 बंदे लगेंगे या 3-4 बंदे लगेंगे, तो इसमें मज़ा बहुत आता है, ठीक है। मैंने बहुत मज़े किए, मेरे दोस्त लोग ने बहुत मज़े किए, इसमें एक्चुअल मज़ा आता है, बिकॉज ये डेप्ट कलेक्टिंग होता है। इसमें आपको डेप्ट कलेक्ट करने पड़ते हैं, बंदों के पास जाके तो बात करके उनसे डेप्ट कलेक्ट करना पड़ता है, एंड पर डे आपको 10,000 मिलता है। तो ऐसा अगर आप एक घंटे में 4 डेप्ट उठा लिए, जो पॉसिबल नहीं है, बट उठा लिए, तो वो 40,000 ईजी है, ठीक है। अभी वीडियो का सबसे बिगेस्ट मोटो, ठीक है, अभी जो मैं दो जॉब के नाम लेने वाला हूँ, ये दो जॉब फॉर बिगिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिटी में हूं, जब से मैं सिटी में खेल रहा सर्वर 3 में, ये दोनों जॉब मेरा लेवल 3 है, ठीक है। चाहे मैं इसको खरीदा हो रहा कुछ भी, बट ये दोनों जॉब मेरे लेवल 3 है। क्यों? उसका एक वैलिड रीजन है। अभी मैंने आपको कहा था फायर फाइटर जॉब और पायलट जॉब, ये जो दो जॉब है ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। ये आता है 3rd और 4th पोजिशन में। फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन में आता है हमारा ट्रकर जॉब और बस ड्राइवर जॉब। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि विंग्स भाई क्या फालतू के लिए बोल रहे हो यार, दोनों जॉब इतने भैया आते हैं, क्यों इसको लेवल 3 करना है? तो इसका एक वैलिड रीजन है। देखो, सबसे पहला चीज, जो ट्रकर जॉब है, ठीक है, जो लेवल 3 आप करोगे, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है, लेवल 1 और लेवल 2 में, आप लेवल 1 में जो गेम स्क्रिप्टेड रहता है वो जॉब्स करते हो, लेवल 2 में आप जो बंदे जो 24/7 स्टोर के ओनर है
उनका जॉब, उनका जो रिकमेंडेड रहेगा वो लेते हो वो जॉब। लेवल थ्री का जो है वो होता है क्लासिफाइड जॉब्स, क्लासिफाइड ऑर्डर्स बेसिकली। तो क्लासिफाइड ऑर्डर्स सिर्फ एनजी के होते हैं अब जितना मेरे को पता है, ठीक है, अगर उसके ज़्यादा होते तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट एनजी के होते हैं। तो ये जो क्लासिफाइड जॉब्स है एनजी के, ये आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो एनजी का जो लीडर रहेगा उससे। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका पूरा प्रोसीजर अगर आपको जाननी है तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे प्रोसेस करना है, एनजी के साथ कैसे कोलैब करना है एंड आपको ट्रकर जॉब लेना है, ठीक है। इसका दिन में आपको कुछ ना कुछ ट्रक एनजी को प्रोवाइड करना रहता है। अभी एनजी को क्यों प्रोवाइड करना रहता है ये भी तुमको जानना है तो मेरे को कमेंट करो, इस पर एक बेसिक वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। फिर आता है बस ड्राइवर जॉब, बस ड्राइवर जॉब और कंस्ट्रक्शन जॉब, कंस्ट्रक्शन टीम, ये दोनों लिंक्ड है। ये बहुत दोनों एक दूसरे से इतना लिंक है कि बोलते हैं ना आप एक दिन में दो तीन मिलियन कमा सकते हो अगर ये दोनों जॉब हो गया तो। बस ड्राइवर जॉब लेवल थ्री का हो जाता है, तो इसका भी एक बेसिक फंक्शन है, इसका क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, बिकॉज इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 से 4 लोग लगेंगे, अराउंड 5 लोग लगते हैं। तो कंस्ट्रक्शन टीम का क्या होता है, आप एक साइट खरीदते हो, वो साइट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, अराउंड 1 मिलियन के अराउंड आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसका रिटर्न आपको अराउंड 1 मिलियन या 2 मिलियन मिलता है। तो ये जो आपका जॉब है इसमें क्या होता है, 5 लोग होते हैं, 5ों अलग अलग काम करते हैं, जिसमें से एक का काम होता है ड्राइवर का। तो जो ड्राइवर का काम होता है ये सिटी में 5 से 6 लोकेशन में जाता है, एक चेक पॉइंट्स रहता है उसको लेना रहता है एंड वापस अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे आना पड़ता है। तो अगर आपका बस ड्राइविंग का जो लेवल है अगर वो 1 रहता है तो आपको 6 या 5 चेक पॉइंट्स क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आपका लेवल 3 रहता है तो आपको सिर्फ 3 या 2 चेक पॉइंट्स क्लियर करने रहते हैं एंड यू ऑल गुड टू गो, ठीक है। इससे आपका कंस्ट्रक्शन का जॉब भी जल्दी हो जाएगा, जो 24 घंटा है वो जल्दी हो जाएगा एंड बाकी आप कमा लोगे। बाकी मैंने बताया आपको डिटेल वीडियो फॉर ऑल द जॉब्स मैंने दे के रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। कंक्लूजन में इतना ही बताऊंगा, नंबर 1 और नंबर 2 पे ट्रकर और बस जॉब आता है, जो बिगिनर्स मैं हाईली प्रेफर करूंगा ये दोनों जॉब करो, क्योंकि ये जॉब इंटरमीडिएट और वेटरन्स को बहुत हेल्प होता है ये जॉब से, ठीक है। मेरे को पता नहीं अभी क्या है बट मेरे को ये दोनों जॉब से बहुत हेल्प हुआ है। बाकी 3rd और 4th पोजीशन में आता है फायर फाइटर जॉब एंड पायलट जॉब। बाकी जॉब टाइम पास के जॉब्स है, अगर आपको करने तो करो वरना मत करो। बाकी वेटरन्स और इंटरमीडिएट को पता रहेगा 4 जॉब्स का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बाकी अगर तुमको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते तुम सबसे अगले वीडियो के लिए, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड टाटा बाय।